इंदौर में पिछले 15 दिनों से लापता एक बच्चे की लाश पानी की टंकी में मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के शुभम नगर का है, जहां 12 वर्षीय बच्चे नितिन पांडे की परिजनों ने गुमशुदगी की 31 दिसंबर के दिन रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तभी से पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि केदारनाथ कॉलोनी के निर्माणाधीन पानी की टंकी में भरे पानी के अंदर एक बच्चे का शव मिला है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक बच्चे के शव को पानी की टंकी से बाहर निकाला। मृतक की पहचान नितिन पांडे के रूप में हुई है, जो पिछले 15 दिनों से लापता था। बताया जा रहा है, बच्चा नितिन पतंग को लेकर मां ने उसे डांटा था, जिसे नाराज होकर वो घर से चला गया था। हालांकि नितिन पानी की टंकी तक कैसे पहुंचा और किन कारणों के चलते उसकी मृत्यु हुई है, इस मामले में पुलिस ने जांच करने की बात कही है। सर, एक बच्चे का शव मिला था, कुछ गुमशुदगी भी दर्ज थी। सर, क्या पूरा मामला और अभी क्या प्रक्रिया था? दिनांक 31 दिसंबर 2021 को गीता पांडे अपने बड़े बेटे के साथ में थाने पर आई थी और उन्होंने बताया कि 30 तारीख की रात 8:30 बजे से उनका छोटा वाला बेटा नितिन पांडे, जो 12 साल की उम्र का है, वो घर से बिना बताए कहीं चला गया है। बाहर खेल रहा था, फिर वापस कहाँ चला गया इसकी जानकारी नहीं है। चूंकि बच्चा 12 साल का था, इसलिए नियम के अनुसार उसमें अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 363 IPC अपहरण का प्रकरण दर्ज किया गया था और बच्चे की तलाश की जा रही थी। आसपास जो रहवासी लोग हैं उनसे भी बातचीत हुई, कैमरों के फुटेज देखे गए, लेकिन बच्चे का कहीं आने जाने का कोई उसमें साक्ष्य नहीं मिल पाए थे। तलाश चल रही थी, पीछे पूरा खेत और कॉलोनी डेवलपमेंट का कार्य चल रहा था, उधर भी बच्चों के परिजनों के साथ में, बच्चे के परिजनों के साथ में तलाश की गई थी, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा था। आज कल दिनांक 14 जनवरी को जो पीछे एक लक्ष्य विहार कॉलोनी डेवलप हो रही है, वहां पर एक पार्क बनाया जा रहा है। पार्क में अंडरग्राउंड वाटर टैंक में चौकीदार कल पानी निकालने के लिए, मोटर लगाने के लिए जब गया तो उसने देखा कि उसमें एक बच्चे की बॉडी तैर रही है। फिर उसने इस बात की सूचना 100 डायल में की तो जानकारी मिलने पर थाने से जाकर बच्चे के शव को बाहर निकाला गया और जो बच्चा 30 तारीख को गुम हुआ था उसी बच्चे का शव था। परिजनों द्वारा उसकी पहचान की गई, इसके बाद पंचनामा कार्रवाई करके उसको पोस्टमार्टम के लिए MYH लाया गया है। सर, परिजन से बातचीत में क्या कोई बच्चा किस तरीके से नाराज होकर चले गए? नाराजगी जैसी कोई बात तो नहीं है। एक्चुअली वहाँ उसके साथ में जो खेलने कूदने वाले बच्चे थे उन लोग से इस दौरान पूछताछ या बातचीत करके जानकारी निकालने का प्रयास किया गया था। तो उनके द्वारा जानकारी दी गई कि जो पतंग उड़ाते समय पतंग कट जाती है, उसको लूटने के चक्कर में बच्चे भागते हैं इधर से उधर, उसमें कहीं उसकी शर्ट उलझ गई थी और फट गई थी, तो बच्चा डर के कारण कि माता पिता द्वारा डांट पड़ेगी इस बात को लेके वो घर नहीं गया था और घर नहीं पहुंचने के बाद में ये थाने पर सूचना दर्ज कराई गई थी। कितनी उम्र होगी बच्चे की? बच्चे की उम्र 12 साल है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।